नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं। दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस के लिए हमने एक्सेल में एक ये प्रोग्राम तैयार किया है, जिसमें आप यहाँ देखिए कीबोर्ड लिखा गया है आइटम नेम, और कीबोर्ड जो परचेज किया था एक आइटम एक क्वांटिटी में 500 का, और सेल कर दिया 700 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल में आइटम नेम कीबोर्ड है, और कीबोर्ड को जो परचेज किया गया था 500 में परचेज किया, और उसको सेल किया 700 में। यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, इसको कैलकुलेट करके बताएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 200। नेक्स्ट माउस जो है, ये माउस का परचेज रेट है और ये सेल रेट है, प्रॉफिट है यहाँ भी 50 रुपीज़ का। नेक्स्ट है पेन ड्राइव, परचेज रेट 200, और आगे देखिए 200 में ही अगर उसे सेल किया तो नो प्रॉफिट नो लॉस, अमाउंट है 0। हार्ड डिस्क का परचेज रेट और सेल रेट, ये वाला सेल आपको बता रहा है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और आगे वाला सेल बता रहा है कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ अमाउंट में। आइए इसे सीखते हैं एक नई शीट पे। आप एक्सेल को ओपन करें। एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले SR नंबर, उसके बाद आइटम परचेज सेल प्रॉफिट और लॉस, ये प्रॉफिट और लॉस टेक्स्ट बड़ी है तो इसलिए यहां से इसको कॉलम की विड्थ को बढ़ा दें। इसके बाद प्रॉफिट और लॉस अमाउंट, यहां पे आप नंबर डाल दीजिए 1, 2, 3। यहां पे आइटम लिखनी है, कीबोर्ड माउस पेन ड्राइव मॉनिटर प्रिंटर। अब परचेज में अमाउंट डालना है, जैसे 500, माउस जो आपको 300, पेन ड्राइव 200, मॉनिटर 7000, प्रिंटर 10000। ये आपने अमाउंट डाल दिया। अमाउंट को सेलेक्ट करके आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, इसे बिल्कुल सेंटर में दिखेगा यहाँ पे क्लिक करने से। फिर आप यहाँ पर सेल रेट डाल दीजिए, कीबोर्ड को आपने 700 में बेचा, माउस को आपने 200 में बेचा, पेन ड्राइव को आपने 200 में ही सेल किया, मॉनिटर को आपने 8000 में सेल किया, प्रिंटर को आपने 11000 में सेल किया। यहां पर आपने फॉर्मूला लिखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कोई भी फॉर्मूला जब भी हम लिखते हैं तो हम इक्वल टू का साइन सबसे पहले लगाते हैं, इक्वल टू के बाद आपने टाइप करना इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब जो नियम है, अगर सेल का अमाउंट परचेज से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होना है, अदरवाइज लॉस होना है। तो हम इसमें लिखेंगे दिस, यानी C2, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अगर ये बराबर हो जाते हैं, मान लीजिए परचेज अमाउंट और सेल अमाउंट बराबर हो, तो क्या होगा, दिस C2 इक्वल टू D2। अगर ये दोनों बराबर हो तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, तो उसे हम कहेंगे नो प्रॉफिट
नो लॉस। फॉर्मूले में आप लिखते जाइए इफ सी टू इक्वल टू डी टू कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट नो प्रॉफिट नो लॉस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फिर नीचे का सिंगल कॉमा लगा के फिर नेक्स्ट इफ स्टार्ट कर देंगे और इसमें अब जो है प्रॉफिट के लिए लिखेंगे। ये पहला जो हमने लिखा नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए था, अब सेकंड जो हिस्सा है वो हम प्रॉफिट के लिए लिखेंगे। तो सी टू लेस देन डी टू कॉमा अगर सी टू यानी परचेज प्राइस जो है सेल प्राइस से कम होगा तो इसका अर्थ है प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां लिख देंगे प्रॉफिट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सिंगल कॉमा, अगर ऐसा नहीं है तो लॉस हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा में एल ओ डबल एस लॉस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक जितने आपके इफ हैं उतने आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और उसके बाद एंटर। अब यही फॉर्मूला नीचे तक अप्लाई करना है तो इस पॉइंट से चाहे छोटा सा बॉक्स बना है उस पर माउस पॉइंटर रखा माउस बटन को प्रेस किया और इसे नीचे तक ड्रैग कर दिया जहां तक आप चाहें। तो आप देख रहे हैं पहले में प्रॉफिट रहा थर्ड आइटम में नो प्रॉफिट नो लॉस नेक्स्ट में प्रॉफिट प्रॉफिट। अब मान लीजिए यहां पर हम अमाउंट चेंज करके देखते हैं 7000 में हमने परचेज किया था मॉनिटर और हमने 5000 में उसको बेच दिया तो लॉस हो रहा है आगे लॉस आ रहा है। अब हमें देखना है प्रॉफिट तो हुआ लेकिन कितना प्रॉफिट हुआ उसके लिए हम यहां फॉर्मूला लेंगे इक्वल टू डी टू माइनस सी टू और एंटर कर देंगे सिंपल और इसको इस पॉइंट से ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने से क्या होगा देखिए यहां जो सेल एड्रेस थे डी टू माइनस सी टू नेक्स्ट सेल पे जाएंगे तो डी थ्री माइनस सी थ्री हो जाएगा। ये अपने आप इसको अंडरस्टैंड करते हुए एड्रेसेस को बदलता चला जाएगा। इस वैल्यू को भी हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट है यहाँ पे लॉस है, लॉस हमने लिखा भी है और माइनस में ये शो भी करेगा। यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस जीरो है, यहाँ पे लॉस है और यहाँ पे प्रॉफिट है। इस तरह से ये हमने तैयार कर लिया। अब इसके बाद टोटल जो हमारे पास इसमें प्रॉफिट और लॉस हुआ वो देखना है तो इक्वल टू जो पहली वैल्यू है एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस इस तरह से आप इनको आगे तक प्लस करते चले जाइए एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर प्लस एफ फाइव प्लस एफ सिक्स और एंटर। तो यहां पर जो आपका अमाउंट है आपको लॉस हो रहा है 900 का है और यहां पर हमें ये खुद बताए टोटल प्रॉफिट है या टोटल लॉस। तो यहां का फॉर्मूला रहेगा इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो से ज्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होना है तो हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट एल्स यानी कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा में टोटल लॉस और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इस तरह से एंटर। तो यहां पे टोटल लॉस है। अब मान लीजिए ये मॉनिटर हम 7000 में ही बेचते हैं तो क्या हुआ जीरो अमाउंट रहा प्रॉफिट लॉस का नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अभी हमें प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है तो यहां देखिए टोटल प्रॉफिट आ गया और अमाउंट है 1100। इसके बाद इनका कलर कैसे ये अपने आप ऑटोमेटिक चेंज करें इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करेंगे। आप इस पूरे को सिलेक्ट करिए यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद होम जो है पहले से सिलेक्टेड है
यहाँ पे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हाइलाइटेड सेल रूल्स, तो पहले नंबर पे हाइलाइट सेल रूल्स है, उस पर क्लिक करके ग्रेटर देन में चले जाना और यहाँ पर आपने अमाउंट लिख देना जीरो, और आगे जो है एरो पे जा करके कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करना है, और कस्टम फॉर्मेट के बाद आपने यहाँ पे बोल्ड और यहाँ कलर चूज करना है कि आप कौन सा कलर चाहते हैं जो प्रॉफिट के लिए हो, उसको ये कर लिया और ओके कर दिया। इसके बाद ओके, तो जब भी प्रॉफिट होगा तो वो ग्रीन कलर में आएगा। फिर इसको एक बार फिर सिलेक्ट करिए, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके हाइलाइटेड रूल्स में आपने लेस देन कर देना है और यहाँ फिर जीरो लिख देना है। अब की बार आपने यहाँ पे लॉस के लिए कलर चूज करना है, बोल्ड तो कर ही लिया, साथ में कलर जो हमने कर लिया रेड। ओके, तो अब देखिए जब भी लॉस होगा तो रेड कलर में आएगा, प्रॉफिट होगा तो ग्रीन कलर में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम अमाउंट चेंज करके देख सकते हैं, हमने 200 में बेच दिया तो देखिए आगे 300 रेड कलर में आ गया, अगर प्रॉफिट होता है तो वो ग्रीन कलर में आ जाएगा, और लास्ट में भी टोटल प्रॉफिट और लॉस में ऐसा रहेगा। अब इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, हाइलाइटेड रूल्स में जाकर के आपने इक्वल टू कर देना है। इक्वल टू में आपने यहां लिख लेना है कि आप किसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट लिख लिया, और आगे आपने कलर चूज करना है, कस्टम में फॉर्मेट में जाकर के ग्रीन कलर। ओके, तो जहां जहां प्रॉफिट होगा वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर में हो जाएगा। फिर उसके बाद चले गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहां पर आपने फिर से हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल टू, यहां पर अब आपने लिख लेना है लॉस, और उसके बाद कलर चूज कर देना है, कस्टम फॉर्मेट कलर में जाकर के रेड। ओके ओके कर दिया, तो अब लॉस होगा तो वो रेड कलर में आ जाएगा। जैसे यहां पे अगर हम 6000 में इसे सेल करते हैं तो देखिए लॉस हो गया रेड कलर, आगे भी रेड कलर हो गया। अगर हम 8000 में करते हैं तो ये कलर चेंज हो गया, नेक्स्ट भी कलर चेंज हो गया। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है तो वो हमारा डिफॉल्ट कलर ब्लैक में आएगा। आप चाहे तो इसके लिए भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल्स, यहां पर कर दिया इक्वल टू, आपको वैसे ही लिखना जैसे यहां लिखा रहता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद यहां से आपने कलर चूज कर लेना है, जो भी आपको कलर अच्छा लगे। अब लास्ट के लिए इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, लास्ट टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस के लिए उसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक किया, हाईलाइट सेल रूल्स में जाकर के इक्वल टू में यहां पे लिख दिया TOTAL टोटल प्रॉफिट, और उसके बाद यहां पर कलर चूज कर देंगे ग्रीन। अगर प्रॉफिट होगा तो ग्रीन कलर में आएगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ब्लैक कलर में आ जाएगा। जैसे यहां पे हम कर देते हैं तो ये ब्लैक कलर में आ गया। अब आप इसके लिए भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल LOSS लॉस, और उसके बाद कलर जो है आप चूज कर लीजिए रेड। ओके, अब क्या है कि अगर आपका लॉस होगा तो रेड कलर में दिखेगा, अगर प्रॉफिट है तो ग्रीन कलर में आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस है तो आपको ब्लू कलर में दिखेगा। जैसे यहां पर अब हम
थाउजेंड करते हैं तो प्रॉफिट में आ गया, 6000 करते हैं तो लॉस में आ गया। किसी भी अमाउंट में आप चेंज करके देखिए, यह बिल्कुल इस तरह से काम करेगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ये शीट जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है फॉर्मूला के साथ, इसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किए हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। इस तरह से